हेलो अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम टू द चैनल। और आज है 3rd रमज़ान और ये हो रहा है इफ्तारी का तैयारी। ये मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ ड्रिंक के साथ, जो कि बना के रख दो। और ये मैं बना रही हूँ एवोकाडो नटी स्मूदी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी ज़रूर से अपने इफ्तार में इसे इंक्लूड करें कभी कभी, और कैसा लगा हो वो भी मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें और लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। तो चले वीडियो शुरू करती हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने लिया एवोकाडो एक पूरा, उसके बाद आलमंड्स, किशमिश, काजू और ये डेट्स, इसका मैं सीड निकाल के, ये अजवा खजूर है, आप कोई भी खजूर ऐड कर सकते हो। और खजूर डालने से ये है कि इसमें जो स्वीट फ्लेवर टेस्ट आएगा ना, तो इसमें शुगर वगैरह डालने का ज़रूरत नहीं है, खजूर से हो जाएगा। और ये खजूर अगर आप अपने ड्रिंक में इंक्लूड कर रहे हो तो कितना अच्छा है, आप समझ सकते हो। और ये सब भी, ये बहुत ही हेवी होता है, एक ग्लास पी लो तो बिल्कुल फुल, आगे पीछे देखने का ज़रूरत ही नहीं है कुछ और खाने के लिए। सो मजाक कर रही थी। तो ये हो गया, इसके बाद मैंने डाला है दूध, और दूध डाल के इसे मैं थोड़ा कम दूध डाल, अभी इसे ग्राइंड करना था इसलिए कम डाला था, उसके बाद मैंने ज़्यादा डाल के एक बार और राउंड चला दिया। उसके बाद ये एक ग्लास में डालिए, ये मेरा 2 ग्लास एवोकाडो नटी स्मूदी रेडी है। सो अब बारी आ गया है समोसा बनाने का। समोसा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो इसके लिए मैंने लिया था कीमा। कीमा में मैंने वो ऑनियन चॉप कर दिया था, और साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा पोटैटो था मेरे पास मैश किया हुआ, वो मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कीमा थोड़ा लूज़ लग रहा था, तो मैंने इसको डाल दिया क्योंकि थोड़ा होल्ड करे। और साथ में चाट मसाला, और कीमा तो रेडी था तो और ज़्यादा कुछ मसाला ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, लेमन डाला था बस। और ये मैंने आटा गूंदा जल्दी से, आटा में तेल और नमक किया था बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये हम यहाँ पे चेक कर रही थी कि कंसिस्टेंसी सही है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गीला होने से फिर फिलिंग करने में मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, ठीक है अभी। तो बस ये हो गया, उसके बाद मैं आटा निकाल रही थी अब समोसे में लग जाने के लिए। वैसे समोसा बनाना तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है इसे, इसलिए मैं क्या करती हूँ इसे बेल के रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स है, इसे मैं देसी डेट वाला ही लेती हूँ ताकि आसान होता है खाने में, भी अच्छा लगता है ज़्यादा। और इसे हम लोग ऐसे ही स्पून से खाना प्रेफर करते हैं, किसी चीज़ के साथ मिक्स नहीं करते। और ये चटनी मैंने जो स्टोर किया था उसमें धनिया का चटनी ये लिया है मैंने, और फिर अभी मैं इसे योगर्ट के साथ मिक्स कर दूँगी, योगर्ट और पुदीना के साथ, और इसे हम लोग समोसा के साथ खाएंगे। सो आज मेरा प्लान जो है वो सिर्फ समोसा बनाने का है, लेकिन मैं शेप्स डिफरेंट डिफरेंट देने का प्लान कर रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है डिफरेंट शेप्स का, और फिलिंग एक मैंने सब कुछ एक साथ मिक्स कर दिया इसमें, नहीं तो मेरा प्लान था दो तरह का समोसा बनाने का, आलू का समोसा और कीमे का समोसा, लेकिन अब आलू कीमा मिक्स हो गया है तो बस एक ही बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा चटनी रेडी हो गया। ये हो गया रेडी और इसे मैं साइड कर दे रही हूँ। तो चले अब समोसा का काम चालू किया जाए। सबसे बड़ा काम होता है इसे बेलना, और आजकल मैंने ट्रिक लगाया है अपना कि इसे बेल के कट करके करो तो ज़्यादा फास्ट होता है, टाइम बहुत कम लगता है। इसे मैंने जो रेडी किया है ये मेरा 15-20 मिनट में रेडी हो गया था। सो मैं अभी बना के रख दूँगी इसे, लेकिन फ्राई मैं इफ्तार के 15 मिनट पहले ही करूँगी। सो ये देखिए, ये मेरा होगा समोसा स्टाइल फिलिंग, ऐसे डाल के आप इसे साइड से फोल्ड कर लें। तो ये देखा ऐसे फटाफट से बना रही हूँ, कितना मज़ा आ रहा है देख के, जल्दी जल्दी।
और ये देखिए ये मैंने पॉकेट्स रेडी किया है और इस पॉकेट्स को मैंने ऐसे साइड से फोल्ड कर दिया ताकि मैं इसे ऑयल में ही फ्राई करूँगी। तो ये हो गया दो तरह का शेप मेरा। ये इसे मैं ट्राई कर रही थी थोड़ा डिफरेंट लुक देने का, तब वो पीछे से जो आता है लुक क्रैक किया हुआ वैसा वाला, लेकिन हो गया फाइनली। फर्स्ट टाइम पे तो मैं नहीं कर पाई, आपने देखा ही होगा वो टूट गया था, लेकिन सेकंड टाइम पे मैंने कर लिया। मैंने एक ही बनाया इसका और फिर मैंने राउंड शेप दिया। अब इसे मैं मोमो का शेप दूंगी। इंशाल्लाह मैं मोमो भी बनाऊंगी इस रमज़ान में। मोमो सूप और चटनी बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए ये हो गया है मेरा मोमो के शेप का समोसा। बहुत आसानी से आप देख सकते हो चार तरह का मैंने बनाया है। रेक्टेंगल, ट्राइंगल, मोमो एंड दिस। ये तो मोमो हो गया आपका। और ये देखिए ये ऐसे इसे जब फ्राई करूँगी ना ये ऐसे अलग हो जाएगा, तो बहुत अच्छा शेप आएगा। तो बस ये देखें कैसा लग रहा है देख के, हाँ मज़ेदार। तो इसे फ्राई करने के लिए रख दूँगी मैं, अभी नहीं करूँगी फ्राई, बाद में फ्राई करूँगी आराम से। तो ये देखें मेरा मेगा समोसा, ये एक समोसा दो समोसे के बराबर है। इसे मैंने बड़ा बनाया है और ये जब मैं बना रही थी लेना को इतना मज़ा आ रहा था, मेरा फिंगर देख के वो मैं ऐसे फोल्ड कर रही थी, उसे भी ऐसे करने का मन आ रहा था। तो ये देखिए फ्राई होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था अपना समोसास। और ये हो गया अपना छोटा सा इफ्तार, बहुत ही सिंपल सा, और फ्रूट्स ये सब बस। और हम लोग अभी इंजॉय करेंगे अपना इफ्तार। तो आप लोगों का इफ्तार कैसा जा रहा है, रमज़ान कैसा जा रहा है, दुआओं में याद रखें हमें भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू चैनल है सो सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।